एक राजा का एक बड़ा फलों का बगीचा था। बगीचे की देखभाल एक माली करता था और वो माली हर दिन बगीचे के ताजे फल तोड़कर राजा को लेकर देता था। एक दिन माली ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि पक कर तैयार है। माली सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए। उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने राजमहल चला। माली जब राजमहल में पहुंचा तो देखा महाराज कुछ नाराज लग रहे थे। किसान ने रोज की तरह अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। अब राजा बेख्याली में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर माली के माथे पर निशाना साध कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी माली के माथे या शरीर पर लगता तो माली कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता और माली फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है, तो वो संभल कर बैठा और फिर माली से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, पर फिर भी तुम बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। माली बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, बगीचे में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे लगा कि मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। अब लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरूद ले आता तो आज मेरा हाल क्या होता। इसीलिए मैं कह रहा था, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कभी कभी ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का करके हमें उबार लेता है। लेकिन हम बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज के बाद कभी मन में ये ख्याल आए कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, तो जरा सोचना कि कहीं ईश्वर आपकी बड़ी मुसीबत को टालने के लिए आपको एक छोटी सी तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं।